हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं फुल पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड साथ में हीटिंग टेस्ट भी। चार स्मार्टफोन है हमारे बीच में, रियलमी 8 5G, Redmi Note 10, रियलमी 8 और नाजो 20 प्रो। ओके, कुछ कमेंट्स आएंगे, मैं पहले से बता दूं, रियलमी 7 को अभी तक मैंने डाउनग्रेड नहीं किया, रियलमी आई 2.0 पे रन कर रहा है बेटा सॉफ्टवेयर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फोन्स के साथ डाउनग्रेड करके रियलमी 7 का वीडियो आपको मिल जाएगा। फोन का इंट्रोडक्शन दे दूं, रियलमी 8 5G, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरियंट है मेरे पास, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और 90Hz LCD डिस्प्ले मिल जाएगा आपको। प्राइस है 14,999 रुपये। रेडमी नोट 10 6GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरिएंट है मेरे पास, स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और 60Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्राइस है 14,499 रुपये। एंड रियलमी 8 की बात करूँ तो 4GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, हीलियो G95 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी, 60Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्राइस 14,999 रुपये। और नाजो 20 प्रो की बात करूँ तो 6GB रैम, 64GB स्टोरेज वेरिएंट है मेरे पास, मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर, 4500 mAh की बैटरी, यानी सबसे कम बैटरी कैपेसिटी नाजो 20 प्रो की है। 90Hz LCD डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाएगा 12,999 रुपये में। तो गाइस, इन चारों स्मार्टफोन में सबसे सस्ता है नाजो 20 प्रो, और नाजो 20 प्रो ओनली स्मार्टफोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 बेस्ड अभी आपको OS देखने को मिल जाएगा। बाकी तीनों स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11 बेस्ड OS रन कर रहा है। आज हम 5-6 घंटे PUBG खेलने वाले हैं, तब तक खेलेंगे जब तक बैटरी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, डेड नहीं हो जाता चारों स्मार्टफोन। और साथ में मैं आपको हीटिंग के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा, यानी चारों स्मार्टफोन 4-5 घंटे पबजी खेलने के बाद कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ओके, तो फिलहाल रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री के आसपास है, रियलमी 8 5G भी सेम 31 के आसपास दिख रहा है, रेडमी नोट 10 थोड़ा सा ज़्यादा 32 डिग्री के आसपास दिख रहा है, रियलमी 8 31 और नाजो 20 प्रो भी 31 डिग्री के आसपास दिख रहा है। फ्रंट साइड की अगर बात करूँ तो अगेन रियलमी 8 5G सेम 31 डिग्री दिख रहा है, रेडमी नोट 10 भी सेम 32 डिग्री के आसपास, रियलमी 8 31 और नाजो 20 प्रो 31 के आसपास, यानी बैक और फ्रंट दोनों में सेम टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, बैटरी को मैंने फुल कर दिया है, स्क्रीन ऑन टाइम चारों डिवाइस का 5 मिनट सेट है, रियलमी 8 5G और नाजो 20 प्रो को 60Hz पे सेट कर दिया है, ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम भी फुल रहेगा ताकि किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। ओके, तो पबजी ग्राफिक सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, गाइस चारों स्मार्टफोन में आपको सेम ग्राफिक देखने को मिलेगा, स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस्ड के साथ अल्ट्रा एंड HD के साथ हाई। तो हम स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स में गेम खेलने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा किसी भी एंगल से तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना अगर पॉसिबल हो तो। तो एक घंटा हो गया, एक घंटे में 12% ड्रॉप हुआ है रियलमी 8 5G में, और रेडमी नोट 10 में भी सेम 12% ड्रेन हुआ है। रियलमी 8 की अगर बात करूँ तो 13% और नाजो 20 प्रो में 18%। ओके, एक घंटे में टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो एक घंटे में 40 डिग्री रियलमी 8 5G, रेडमी नोट 10 थोड़ा सा ज़्यादा 42 डिग्री एंड रियलमी 8 भी सेम 42 डिग्री के आसपास दिख रहा है, और नाजो थोड़ा सा कम 41 के आसपास दिख रहा है। तो दो घंटा होने वाला है, दो घंटे के बाद टेम्परेचर चारों स्मार्टफोन का सेम ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ रेडमी नोट 10 का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है, 43 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है टेम्परेचर। ओके, एंड बात करो अगर बैटरी की तो दो घंटे के बाद रियलमी 8 5G 75% पे आ गया है, पहले घंटे में 12% और दूसरे घंटे में 13% ड्रॉप हुआ है। एंड बात करूँ अगर रेडमी नोट 10 की तो गाइस 75% पे रेडमी नोट 10 भी आ गया है, सेम पहले घंटे में 12, दूसरे घंटे में 13% ड्रॉप हुआ है। रियलमी 8 की बात करूँ तो 74% पे आया है, पहले घंटे में 13 और दूसरे घंटे में 13% ड्रॉप हुआ है। ओके, तो ये तीनों स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन है, और बैटरी ड्रेन भी तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करो अगर नाजो 20 प्रो की तो पहले घंटे में गाइस 18% ड्रॉप होता है और दूसरे घंटे में 20% ड्रॉप हो चुका है। ओके, 62 पे आ गया है। हेलो गाइस, तो तीन घंटा हो गया है, तीन घंटे के बाद रियलमी 8 5G आ गया 61% पे, पहले घंटे में 12%, दूसरे घंटे में 13 और तीसरे घंटे में 14% ड्रॉप हुआ है। बात करूँ रेडमी नोट 10 की तो 62 पे आ गया है, सेम चल रहा है रियलमी 8 5G जैसा, पहले घंटे में 12, दूसरे घंटे में 13 और तीसरे घंटे में भी 13% ड्रॉप हुआ है। एंड रियलमी 8 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम पोजीशन पे 60% पे है अभी, पहले घंटे में 13, दूसरे घंटे में 13 और तीसरे घंटे में थोड़ा सा ज़्यादा 14% ड्रॉप हुआ है। ओके, एंड रियलमी नाजो 20 प्रो 41 पे आ गया, पहले घंटे में 18, दूसरे घंटे में 20
और तीसरे घंटे में 21% ड्रेन हुआ है। गाइस एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, Realme Narzo 20 Pro का जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था ना Realme UI 2.0 के साथ, तो सेम ही दिख रहा है मुझे बैटरी, यानी Realme UI 1.0 के साथ कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। चार घंटे के बाद एक बार टेम्परेचर देखना बनता है। तो फिलहाल Realme 8 5G 41 डिग्री पे दिख रहा है, 40 था 41 डिग्री, थोड़ा सा बढ़ा है। एंड Redmi Note 10 45 डिग्री टेम्परेचर, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ गया, 43 था 45 पे आया, लेकिन स्टिल कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है फ़ोन। Realme 8 की बात करो तो Realme 8 में भी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है, 41 था, अभी 43 44 के आसपास दिख रहा है। एंड गाइस Realme Narzo 20 Pro सेम Realme 8 वाला प्रोसेसर, यानी MediaTek Helio G95, लेकिन टेम्परेचर कम दिख रहा है Narzo 20 Pro में। बैटरी की अगर बात करूँ तो चार घंटे के बाद Realme 8 5G आ गया है 47% पे, पहले घंटे में 12%, दूसरे घंटे में 13, तीसरे घंटे में 14 और चौथे घंटे में भी 14% बैटरी ड्रेन हुआ है। एंड Redmi Note 10 की अगर बात करूँ तो अगेन सेम 47% पे दिख रहा है, पहले घंटे में 12, दूसरे घंटे में 13, तीसरे घंटे में 13 और चौथे घंटे में यानी इस घंटे में 15%, थोड़ा सा ज़्यादा। एंड Realme 8 Helio G95 45 पे आ गया है, ओके, पहले घंटे में 13, दूसरे घंटे में 13, तीसरे घंटे में 14 और चौथे घंटे में 15%, ओके। Narzo 20 Pro 20% पे आ गया चार घंटे के बाद, ओके, तो पहले घंटे में 18, दूसरे घंटे में 20, तीसरे घंटे में 21 और चौथे घंटे में भी 21%। तो गाइस Narzo 20 Pro चार घंटा 50 मिनट के बाद 2% पे आ गया, यानी और 4-5 मिनट चल सकता है। मुझे लगा था शायद डाउनग्रेड करने के बाद बैटरी लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन सेम ही देखने को मिल रहा है। Realme UI 2.0 के साथ भी 5 घंटे के आसपास चला था और 1.0 में भी 5 घंटे के आसपास चलने वाला है। तो 4 घंटा 58 मिनट 58 मिनट में Narzo 20 Pro डेड। फोन ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ये एक पॉजिटिव बात है। मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास दिखा था जब हमने गेम स्टार्ट किया था, चारों स्मार्टफोन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम था, 31 डिग्री के आसपास, ओके। 60 हर्ट्ज़ पे मैंने गेम खेला था, ब्राइटनेस फुल था, वॉल्यूम फुल था। वैसे बैटरी कैपेसिटी Narzo 20 Pro की कम है, लेकिन स्टिल 5 घंटे के आसपास आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा PUBG में बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो। 5 घंटा हो गया, Realme 8 5G आ गया 34% पे, Redmi Note 10 33 पे और Realme 8 32% पे। Realme 8 और Redmi Note 10 में सुपर AMOLED डिस्प्ले है, तो बैटरी लाइफ इसमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, ये हमें एक्चुअली पहले से पता था। लेकिन Realme 8 5G LCD डिस्प्ले के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इन दोनों स्मार्टफोन को सॉलिड टक्कर दे रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो अगर PUBG मेन रीज़न है आपका स्मार्टफोन खरीदने का, तो इन चारों में से आप Redmi Note 10 स्किप कर सकते हो। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो ना, कभी कभी गेम खेल लेते हो तो चल जाएगा, लेकिन बैटरी और हीटिंग के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता दूं परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप इन चारों में से कोई भी स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, PUBG अगर मेन रीज़न है स्मार्टफोन खरीदने का, तो Redmi Note 10 आप स्किप कर सकते हो। कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक है, कभी कभी एक आध घंटे के लिए खेल लेते हो गेम तो चलेगा, लेकिन अगर 2-3 घंटे का गेमिंग करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली लैग थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप इन चारों स्मार्टफोन को कंपेयर करो तो Redmi Note 10 में सबसे ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। 6 घंटा होने वाला है, 6 घंटे के बाद एक चीज़ आपने क्लियरली नोटिस किया होगा कि टेम्परेचर चारों स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, हीटिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा चारों स्मार्टफोन में। Redmi Note 10 थोड़ा सा ज़्यादा 45 डिग्री दिखा और Realme 8 में 43 44 के आसपास, बाकी Realme 8 5G और Narzo 20 Pro दोनों 41 42 डिग्री के आसपास दिखा टेम्परेचर। 6 घंटे के बाद 20% पे आ गया Realme 8 5G एंड Redmi Note 10 17% पे और Realme 8 17% पे, ओके, यानी एक और घंटा चलना चाहिए, तो चलिए चलाते हैं। तो 7 घंटा हो गया, 7 घंटे के बाद Realme 8 5G आ गया 7% पे, Redmi Note 10 3% पे और Realme 8 2% पे। Realme 8 और Redmi Note 10 और 10-15 मिनट जाना चाहिए और Realme 8 5G मेरे ख्याल से और आधा घंटा चल जाएगा। इस 7 घंटा 9 मिनट 30-35 सेकंड में Realme 8 डेड। Narzo 20 Pro से 2 घंटा 10 मिनट के आसपास ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिला। बैटरी कैपेसिटी वैसे थोड़ी सी ज़्यादा है 500 mAh की, लेकिन स्टिल 2 घंटे से ऊपर का आप गेम प्ले आपको मिल सकता है Realme 8 में। एंड टेम्परेचर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, 44 डिग्री मैक्सिमम दिखा Realme 8 का टेम्परेचर। ओके, एंड 7 घंटा 13 मिनट 55 सेकंड्स, यानी 7 घंटा 14 मिनट में Redmi Note 10 डेड। 3% 13-14 मिनट गया, मैंने कहा था 15 मिनट जाएगा। तो गाइस चारों में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है Redmi Note 10 का, लेकिन बैटरी लाइफ काफ़ी डिसेंट, बल्कि काफ़ी तगड़ा आप कह सकते हो, 7.5 घंटे का ऑलमोस्ट और टेम्परेचर 45 डिग्री मैक्सिमम दिखा।
गाइस तो 7.5 घंटा हो गया और रियलमी 8 5G अभी भी चल रहा है, पब्लिक बिल्कुल थक गया है। गाइस चलिए देख लेते हैं बैटरी कितना बचा है ताकि थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि और 4-5 मिनट चलने वाला है। ओके तो सही टाइम पे डेड, एग्जैक्टली आप कह सकते हो 7.5 घंटा पबजी स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ रियलमी 8 5G में चला। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए फोन्स के साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने को मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।